अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मजे में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन बहुत ही हेक्टिक नजर आएगा आपको, और पूरा दिन जो भाग दौड़ होगी, मैंने पूरी कोशिश किया उसको रिकॉर्ड करूं, और ये वीडियो एडिट करते हुए मुझे बहुत मजा आ रहा था। आई थिंक हर मदर इस वीडियो से रिलेट कर सकेंगी जिनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी तो चले चैनल है ना, तो हम ये सब रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे मदर्स तो रिकॉर्ड नहीं करती। लेकिन वीडियो देख के आपको अंदाजा होगा कि आप कितनी बिजी रही होंगी स्कूल स्टार्ट होने से एक से दो दिन पहले। सो अपने आप को बहुत अच्छी सी शाबाश दें कि आप ना बस रोजाना के हिसाब से बहुत मेहनत करती हैं, थक जाएं जो मर्जी हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी होती और सारे काम भी टाइम पे होते हैं। ये लीक प्रूफ लंच बॉक्सेस हैं, बहुत अच्छे हैं, ये मैंने अमेजोन से मंगवाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। बच्चों के जो यूनिफॉर्म्स थे वो मैंने वॉश कर लिए थे, अब ड्राई हो चुके थे, तो इनको मैंने प्रेस करना था। और मिशारी के जो कपड़े थे वो तो बहुत अच्छा फैब्रिक है, लेकिन तिहामी वाला ना वो काफ़ी मुश्किल होती है प्रेस करने में। तो ये मेरे पास स्टीम आयरन है और इससे बहुत अच्छे से प्रेस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई क्रीस वगैरह रह जाए तो इससे स्प्रे करके तो बहुत ईजीली हो जाता है। मतलब जो आपने हाथ से पकड़ के स्प्रे करना है ना, उससे बेहतर है कि ये वाली स्टीम आयरन एक दफ़ा ले लें, लाइफ बहुत आसान हो जाती है। जब से मैंने ये ली थी ना पाकिस्तान से, तो मैंने अपने दूसरा वाला स्टीम आयरन बड़ी जो है ना वो भी यूज करनी छोड़ दी है। ये छोटी होती है, सो इससे ऐसे समझ लें कि एक जो पानी का टैंक है ना उसमें 5-6 कपड़े प्रेस हो जाते हैं, जबकि वो जो बड़ी वाली होती है उससे तो पूरी पूरी लॉट प्रेस हो जाती है। बच्चे तो इस टाइम पे अपने बाबा के साथ जा चुके थे हेयर कट कराने के लिए, और मैंने सोचा कि खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ड्रमस्टिक्स जो है वो मैं लेकर आई थी, जो मैंने आपको एक दिन पहले दिखाया था, एक नई जगह ट्रॉलीज वहाँ से मैं लेके आई थी। तो ये इसकी स्किन रिमूव कर रही हूँ। स्किन रिमूव करने का ईजी तरीका होता है कि कोई सा भी आप जो है वो कपड़ा लेके ना तो उससे स्किन को रिमूव कर लें, तो इस तरह ईजीली उतर जाती है, वरना फिर स्लिपरी बहुत होती है। आज मेरा प्लान है बटरफ्लाई चिकन बनाने का, और ये बहुत इजी बन जाती है। चिकन की एक साइड लेग पीस की जो है ना वो पूरा एक कंप्लीट मसल होता है, और दूसरी साइड पे ये दो इकट्ठे लगे होते हैं, यहाँ से आपने इसको कट करना है, और इसकी बटरफ्लाई जैसी देखें ऐसी शेप बन जाती है। ये जो आई थिंक ये लेग पीस की जो आउटर साइड है ना उसको हमने कट नहीं किया, और बस ये इसको बोन से हम थोड़ा सा सेपरेट कर रहे हैं। कितनी क्यूट सी बटरफ्लाइज बन गई हैं। अच्छा जी, अब हम मैरिनेशन सिंपल सी जो है ना वो ड्राई स्पाइस मिक्स रेडी कर लेते हैं। 1 चम्मच नमक है, 2 चम्मच पेपरिका पाउडर है। पेपरिका पाउडर ना हो तो आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी ले लें, और मैंने ये इसलिए डाला कि मिशी भी खा ले। साथ में गार्लिक पाउडर है, ओरेगानो है, रोजमेरी है ये वाला जो भी मैंने डाला है, और साथ में बेजल है। ये जो भी चीज़ें ना हो वो आप ना भी ऐड करेंगे। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई पार्सले, यानी कि धनिया कह लें खुश्क वाला, और फिर इसमें मैंने डाल दी है काली मिर्च। लास्ट में इसमें जाएगा जीरा पाउडर। मैं 2 kg चिकन लेग पीस बना रही हूँ, क्योंकि 1 kg बनाती हूँ ना तो फिर ये लोग कहते हैं कि पेट नहीं अच्छे से भरा, तो फिर 2 मैंने बना लिया, और साथ में इसमें मैंने डाल दिया हल्दी, और ये मैं आपको 1 kg की रेसिपी दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन होगी, वहाँ से आप देख लें। इसको हमने डाल दिया जी इसके ऊपर, चिकन के ऊपर, और इसके ऊपर साथ में ऑयल भी ऐड कर दिया, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। मैरिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम साथ ही कुक कर सकते हैं। आज मेरा प्लान है ये जो ड्रमस्टिक्स हैं इनको मैं एयर फ्राई करूंगी, और इसके लिए ये लाइनर्स मैंने जब से लिया ना मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई है, क्योंकि जो एयर फ्रायर है इसकी जो बास्केट होती है ना उसको धोना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर इस वजह से इंसान कहता है कि चलो भाई एयर फ्रायर ही ना यूज़ करें। तो जब से मैंने लाइनर लिए लाइफ बहुत ईजी हो गया। एज़ यूजल इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आजकल मुझे अमेज़ोन का बहुत क्रेज़ हुआ है, मैं अमेज़ोन से बहुत सारी चीज़ें मंगवाती रहती हूँ, तो खैर जी लाइफ आसान कर ली है मैंने अपनी आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ें ढूंढ ढूंढ के। इसी तरह जूसर के लिए भी वैसे मैं कुछ ढूंढूंगी, क्योंकि एक जूसर भी ऐसी चीज़ होता है कि कोई भी घर में यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो मैंने 180 डिग्रीज पे 10 मिनट्स के लिए चिकन पीसेस को रख दिया है, और 10 मिनट्स बाद मैं उनकी साइड्स चेंज कर दूंगी। तो अभी जो ये पोटैटो है इसका देखें बारीक बारीक से मैंने पहले इनको हाफ किया और उसके बाद स्लाइस कट कर लिए हैं।
कोशिश करनी है कि स्लाइसेस यहाँ वहाँ ना हो जाए, इनको बिल्कुल आपने ऑर्गेनाइज करके रखना है, तभी ये एंड पे इनकी लुक बहुत क्यूट सी आएगी। पोटैटो स्लाइसेस को हम थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे ताकि ऑयल इनके अंदर अच्छी तरह से चला जाए। अभी हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे और ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। बस मैंने यही डालना था लेकिन मुझे ख्याल आया कि चलो भाई ड्राइड पार्सले पड़ा हुआ वो भी डाल लेते हैं, तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप सिर्फ सॉल्ट और पेपर भी डाल सकते हैं। इसको जो है ना मैं बेक करूंगी अवन में, और अवन में तकरीबन 200 डिग्रीज पे मैंने इसको रखा था पहले, लेकिन मुझे लगा कि जल्दी नीचे से ब्राउन होने शुरू हो गए लेकिन ऊपर से कुक नहीं हुए, तो फिर मैंने 180 डिग्रीज पे रख दिया, तो तकरीबन 30 से 35 मिनट्स में ये कुक हो गए थे अच्छे से। सॉफ्ट सॉफ्ट से थे, ऊपर से क्रंची बिल्कुल नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं और खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। साथ साथ ही बर्तन भी संभालती जाऊंगी क्योंकि फिर किचन में इकट्ठे होते जाना फिर बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो जाता है, सो बेहतर होता है साथ साथ इनको बंदा कर ले। मुझे 2 बैचेस में करना पड़ेगा चिकन, क्योंकि 1 kg चिकन तकरीबन 1 एयर फ्रायर में मेरे में आ जाता है, तो ये एक बैच ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, 10 मिनट्स हो गए, और उसके बाद एक दफ़ा मैं इनकी साइड फ्लिप करूंगी और फिर मैं इनको दोबारा से बेक कर लूंगी और बस फिर ये रेडी हो जाएंगे, तो उसे मैंने ट्रे में डाल देना है। और ये न्यूज़पेपर वाले जो है ना पैटर्न, ये मुझे सैंडविच पेपर्स का बहुत क्यूट लगा था, बस अब मैं पिकनिक पैटर्न जो है वो ढूंढ रही हूँ। लेकिन मैं इतनी जो है ना वो मुझे टेंशन थी कामों की, मैंने क्या क्या काम करने हैं, ये बटरफ्लाई स्टाइल में मैंने बनाए थे लेकिन इनको मैंने दूसरी तरह से रखना था लेकिन फ्लिप करके रख दिया, तो अभी नॉर्मल से लेग पीस लग रहे हैं, जिस साइड से कट लगाया था ना वो साइड ऊपर करनी चाहिए थी। माशाल्लाह से हेयर कट भी हो गया और अब ये लोग शावर ले लेंगे। इनकी बस सुबह आया करेगी 6:05 पे, तो 5 बजे ये उठेंगे और 6 बजे बस आ जाएगी, 6 बजे नीचे चले जाया करेंगे, तो उसमें टाइम नहीं होता। अगर बच्चों को शावर वगैरह सुबह दिलाया जाए ना तो फिर वो उनके पास नाश्ता करने का टाइम नहीं बचेगा, तो मेरे लिए नाश्ता बच्चों का करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं मिशारी को शावर जो है ना आफ्टरनून में दिया करूँगी, और तेहामी की भी यही हैबिट है कि वो आफ्टरनून में ना स्कूल से आने के बाद शावर ले लेता है और नेक्स्ट डे सुबह नहीं लेता शावर। कपड़े भी मैंने हैंग कर दिए हैं और बस इनको मैं कबर्ड में रख रही हूँ। जब तक मिशारी की क्लीनिंग हो रही है ईयर्स वगैरह, तब तक मैं कपड़े लगा दूंगी अलमारी में, और बस आहिस्ता आहिस्ता करके सारे काम निमट गए हैं। ये मिशारी का फेवरेट हेयर ब्रश है फ्रोजन। शहजाद ने इतनी अच्छी हैबिट बनाई हुई है मिशारी की, पहले तेहामी छोटा था उसकी भी यही हैबिट थी कि वो शावर लेने के बाद मुझे हग ही करता था, लेकिन तेहामी को तो ज़्यादातर मैं ही शावर दिलाती थी, अब ये कि मिशारी को शहजाद दिलाते हैं तो याद से आके मुझे हग ही करता है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा बाहर देखा, सी व्यू देख के थोड़े से उसके बारे में डिस्कशंस किए, और बस उसके बाद मैं दोबारा से फिर किचन में आ गई। वैसे एयर फ्रायर के बारे में मेरा ओपिनियन चेंज हो रहा है, पोटैटोज ने जितना टाइम लगाया है ये जल्दी हो जाने चाहिए, और चिकन जो है उसको टाइम लेना चाहिए क्योंकि उसकी बोन भी जो है पूरी तरह से कुक होनी ज़रूरी होती है, लेकिन एयर फ्रायर में चिकन जल्दी पक गया है लेकिन जो पोटैटोज हैं उन्होंने 30-35 मिनट्स ले लिए, जबकि 20 मिनट्स में चिकन के मोटे मोटे पीस थे, लेग पीस बड़े थे, फिर भी वो बन गया। तो खैर जी, ये खाना वगैरह मैं और शहजाद मिलकर अब जल्दी जल्दी रख रहे हैं, ये हमारा लेट लंच कह लें या अर्ली डिनर कह लें, ये हमारा एक ही टाइम का मील है क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने बहुत लेट किया होता है। मुझे इतना अफसोस हो रहा है ना कि मैं इसकी दूसरी साइड सामने रखती तब ये सही बटरफ्लाई शेप आनी थी, लेकिन चलें जल्दी में कई दफ़ा गलती हो जाती है, और माशाल्लाह से लेकिन है बहुत टेस्टी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने तो इसमें सिर्फ वो डाली थी ना पेपरिका, अगर आप चाहें तो आप इसमें पेपरिका की बजाय लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालें तो फिर स्पाइसी भी होगी। और यहाँ पर शहजाद मुझे हग ही दे रहे थे जैसे बच्चे हग करते हैं, तो शहजाद भी कह रहे थे कि बहुत अच्छा बना हुआ है। ये है मेरी प्लेट की लुक, ये देखिए पोटैटोज कितने प्यारे लगते हैं, इस तरह से क्यूट लगते हैं, और ये चिकन है, चिकन भी बहुत जूसी और सक्यूलेंट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और यहाँ पे मैंने मिशारी को बोला था कि सारे बच्चे आपको देखते हैं तो उन्हें बताओ कि अपना खाना खुद खाना होता है और अच्छे से पूरी प्लेट फिनिश करनी होती है। तो मिशारी बड़ी जिम्मेदारी के साथ खाना खा रहा है। बस ये खाना भी डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और बस अब मुझे ना जाना है तिहामी के रूम में और इन लोगों की जो बुक्स नोटबुक्स वगैरह आई हुई है उनके ऊपर मुझे कवर करना है उनको, फिर इनके मुझे बैग्स रेडी करने हैं। ये सारे जो छोटे छोटे काम है ना अब ये रह गए हैं, होना ये चाहिए कि ये वाले सारे काम वीकेंड से पहले हो जाएं, लेकिन बुक्स ही फ्राइडे को मिली हैं तो बस फिर सैटरडे को इधर उधर घूमने चले गए, बस संडे ही था फिर मेरे पास। You cannot use it right now. You should look your books. Come here, see. You have so many new books. Yes. No. Teacher will tell you what to draw. You cannot do it right now. इस टाइम पे बच्चों की एक्साइटमेंट देखने वाली होती है। मिशारी के लिए तो ये सारा कुछ न्यू है तो वो तो बहुत खुश हो रहा था, और जो तिहामी है वो वैसे ही बहुत एक्साइटेड था, वो देखना चाह रहा था कि पिछले ग्रेड के कौन कौन से बच्चे अब उसकी क्लास में हैं और कौन से बच्चों का सेक्शन चेंज हो गया है। बच्चों को देख के हमें भी एक्साइटमेंट होती है, मुझे तो सबसे ज़्यादा ये एक्साइटमेंट कि अब मैं जो काम मेरे जो रुके हुए थे ना वेकेशन की वजह से वो मैं कर पाऊंगी। खाना खाने के बाद मुझे चाय पीनी होती है तो शहजाद ने मेरे लिए चाय बनाई, और जैसे कि आप जानते हैं शहजाद बहुत अच्छी चाय बनाते हैं माशाल्लाह से, तो मुझे शहजाद ने चाय दे दी और साथ साथ मैं चाय पी रही थी। और तिहामी जो अपना टाइम टेबल के हिसाब से अपनी नोटबुक्स रख रहा था, बुक्स तो है नहीं अभी उसकी। सारी जितनी नोटबुक्स थी उनके कवर्स एक ही दफ़ा मैंने कट कर लिए और शहजाद मेरी हेल्प कराने के लिए आ गए और हम दोनों ने मिलके ज़रा थोड़ा सा रिलेटिवली जल्दी काम निपटाना शुरू कर दिया। क्विकली यहाँ पे स्टेशनरी शॉप पे आए थे और मुझे ना मेरे पास लेबल्स ही नहीं थे, मैं लेबल्स लेने भूल गई थी, सो यहाँ से लेबल्स लिए हैं जल्दी से। उसके अलावा मिशारी का जो ना टेम्प्रेरी बैज मिला हुआ है, अभी परमानेंट प्रिंट होके आएंगे तो इस वजह से बैज होल्डर जो है ना उसका कार्ड होल्डर वो भी लिया है, और साथ में एक पेन लिया है लेबल्स को नेम करने के लिए। मिशारी के स्कूल से हमें जो एक सॉफ्ट कॉपी आई थी उसके बस के बैज की ना, बच्चों का मतलब आईडी कार्ड कह लें किस्म का, तो वो हमने इसमें लगा दिया कार्ड होल्डर में, और जब मिशारी ने स्कूल जाना था तो फिर उसको बैज ओरिजिनल वाला मिल जाना था। तो अभी मैं लेबल्स पे मैंने नाम वगैरह लिख लिए हैं सारे और इनको बस मैं पेस्ट कर दूंगी। जो तो नोटबुक्स का मुझे कंफर्म था ना, जैसे मिशारी की नोटबुक्स तो पता है एक मैथ्स की है, एक इंग्लिश की है और एक अरबिक की है, लेकिन तिहामी की जो नोटबुक्स हैं उनके ऊपर मैंने बस ऐसे प्लेन लगा दिए स्टिकर्स और कुछ भी नहीं लिखा, और जिस वक्त जो जो सब्जेक्ट आता जाएगा उसके ऊपर वो तिहामी या तो खुद लिख लेगा या मेरे से राइटिंग करवा लेगा। नेम्स वगैरह मैंने लिख दिए हैं और सेक्शन क्लास सारा कुछ, लेकिन सब्जेक्ट जो है ना वो नहीं लिखा। मिशारी की बुक्स पे नेम लिखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि लास्ट ईयर तो वो नर्सरी में था ना तो कोई स्पेशल बुक्स तो होती नहीं है, बस वो उनकी खेल खेल में माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और बाय द वे महारात अल खलीज जो है ना इतनी अच्छी नर्सरी है, यहाँ पे मिशारी मुझे डर लगता था कि किसी भी नर्सरी में कराऊँ तो यहाँ पे उसकी इंग्लिश का एक्सेंट ना चेंज हो जाए, अरबिक स्टाइल में ना हो जाए या कोई और डिफरेंट ना हो जाए, न्यूट्रल टाइप ना हो जाए, लेकिन माशाल्लाह ये नर्सरी बहुत अच्छी है। मैंने पहले भी जिक्र किया था जिन बच्चों की इंग्लिश नहीं भी आती थी, अरबी बच्चे जैसे ज्यादातर होते हैं, वो भी एंड ऑफ द ईयर पे माशाल्लाह बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे, और स्टाफ बहुत अच्छा और फ्रेंडली है, और हर बच्चे को लिटरली ऐसे उन्होंने ट्रीट किया होता है जैसे उनके अपने बच्चे हैं। महारात अल खलीज नाम है और अल तावन में है, तो जरूर जो है ना वो आप उनके उनको विजिट करें अगर आप वहां करीब में रहते हैं। मैं अपनी अगली किसी वीडियो में ना उनसे नंबर लेके कॉन्टेक्ट का के जिसपे आप उनसे कॉन्टेक्ट करके फी वगैरह सारा स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपको आपसे शेयर कर दूंगी ताकि आप उनको अप्रोच कर सकें। अब फाइनली मिशारी के लिए एक बैग में मैं जो ट्राउजर और शर्ट है वो डाल रही हूँ और ये पैक करके रख दूंगी। स्कूल से इंस्ट्रक्शंस आई थी जिस तरह इसकी नर्सरी में भी ऐसे ही था और अभी भी ऐसे ही है कि एक जो सेट है वो बैग में हर वक्त पड़ा होना चाहिए, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो अल्टरनेट जो बच्चे का दूसरा सेट हो कपड़ों का।
इसके बैग के पीछे भी मैंने नाम लिख दिया है क्योंकि टीचर ने बोला था कि हर चीज जो है लेबल होनी चाहिए, हर चीज पर बच्चे का नाम होना चाहिए, तो बस वो कर लिया। चलो बेटा, राइटिंग डाउन। अगर आप आज कर्टन भी नहीं पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ने के, सुबह 5 बजे उठाना है, इट्स डार्क सो इट वुडंट अफेक्ट यू एट ऑल। चलो शाबाश। आत्मा की तरह उठ के बाहर नहीं आना, सो जाना, इनके 5 o'clock उठाना है बेटा सुबह। चलो गुड नाइट स्वीट डेन स्लीप टाइट। All right, good baby. Let's go to sleep, okay? Okay. Good baby. Chalo. Let's go. Put your pillow. Your pillow. Okay. His name is Alex? Yeah. Okay. His name is Alex. All right. तो बच्चे भी सो गए और वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अभी मैंने नेक्स्ट डे की भी वीडियो बनाई थी, जो उनका फर्स्ट डे था स्कूल के लिए, तो वो भी बहुत बहुत हेक्टिक था, भाग दौड़, लेकिन इंटरेस्टिंग भी था बहुत, पूरा दिन जो है ना, स्पेशली मॉर्निंग टाइम। तो मैंने सोचा कि जो भी है ना पहले दिन जो भी हमारी रूटीन थी, मैं आपसे वो ज़रूर शेयर करूँ, आपको देखने में मज़ा आएगा। और ये वीडियो देख के भी बताइएगा कि कौन कौन सी मदर्स, कितनी मदर्स हैं जो मुझसे रिलेट कर सकती हैं कि हाँ आखिरी दिन भाई ऐसी ही भाग दौड़ लगती है, तो ज़रूर बताइएगा। और कमेंट करते हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ कमेंट करते रह करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे पता है ये कहना चाहिए, यूट्यूब भी बोलती है कि आपको कहना चाहिए ताकि लोगों को रिमाइंडर दें, बट मैं भूल जाती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। दो में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।